मुख्यमंत्री है उनको स्टार प्रचारक बनाया, दो दिन से वो यहाँ पर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं, और किस तरह पार्टी की रणनीति है, क्या हालात है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या रिस्पॉन्स लग रहा है, कर्नाटक बड़ा राज्य है, बड़ी विधानसभा सीटें हैं, यहाँ सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। लोग कहते हैं इतनी करप्ट गवर्नमेंट आज तक कभी नहीं आई। करप्शन तो देखिए हर जगह होता ही रहता है, पर जिस रूप में 40% का नारा लग गया यहाँ पे कि बिना पैसे दिए हुए 40% तक काम ही नहीं होता है, तो एंटी इनकमेंट बहुत भयंकर है। और जनता चाहती है, बदलाव चाहती है, लगता है इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। कल सर आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें कई स्कीम जो आप धरातल पर उतार चुके हैं, जैसे यहाँ 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं, बीपीएल परिवार को 10 किलो अनाज दे रहे हैं, तो अब एक जो मॉडल स्टेट बना राजस्थान, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या इस तरह की स्कीम्स हो, क्या समझते हैं? हमने लोगों से बातचीत भी की, सब पता है कि आप कैंप भी लगा रहे हैं राजस्थान में। देखिए हमारी स्कीमें, मैंने कहा यहाँ जो लागू होगी वो और ज्यादा बेहतर होगी यहाँ पर, ये स्कीम है जो हमने बनाई है, क्योंकि यहाँ की स्थिति आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत है। मैं तो पब्लिक से यहाँ पे आग्रह करूँगा, आपको मौका कांग्रेस को देना चाहिए। जो स्कीम हम लेके आए हैं, जो हमने इम्प्लीमेंट भी वहाँ पे होने लग गई है, वो स्कीमें जब यहाँ लागू होगी ना तो ज़्यादा मजबूती से लागू होगी, उसका फ़ायदा पब्लिक को मिलेगा, यहाँ के विकास की तरफ प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है कि ये लोगों में रुझान मैंने कल देखा है, जो लोग कल मिले मुझसे, लग रहा है कि लोगों में बदलाव की भावना है। सर कर्नाटक में जिस तरह सरकार गिराई गई और राजस्थान में भी कोशिश की, आपको लगता है जनता उसका जवाब देगी? याद है उनको ये चीजें? जवाब देना चाहिए, क्योंकि 75 साल तक यहाँ डेमोक्रेसी है देश के अंदर, उसको कमजोर करने का किसी को हक नहीं है। बीजेपी उसको कमजोर कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग करके, सगरा गिरा करके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में वो सफल नहीं हो पाए। मैंने कहा था आपको, वहाँ पूरी कोशिश कर ली उन्होंने। तो ये जो स्थिति है, ये डेमोक्रेसी को कमजोर कर रही है, जनता को करार जवाब देना चाहिए इसके लिए, वरना तकलीफ आएगी आने वाली। सर इस बार राजस्थान में भी चुनावी साल, अब आपकी भी बारी है, फिर किस तरह सारी एजेंसी आने वाली है राजस्थान की तरफ? एजेंसी कौन सी? जो जिनका आप कहते हैं दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडीओ, जिस तरह, क्योंकि आप कहते हैं कि ये कर्नाटक से फ्री होने के बाद राजस्थान आने वाले हैं सब। अच्छा, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, आप नाम लेते डरते खुद ही, इसका मतलब क्या हुआ? देश में भय है कि कोई नाम नहीं लेता एजेंसियों का? पहले इनका एक नाम होता था, ओहरा होता था सर। इनकी क्रेडिबिलिटी ये सरकार दबाव देकर कम कर रही है। ये एजेंसी बहुत ही प्रीमियर एजेंसी है देश की, उसको कम करने का काम कर रही है बीजेपी का लीडरशिप, वो बहुत बुरा है, और मैं समझता हूँ उपयोग इसका मतलब दुरुपयोग हो रहा है। सर हमने यहाँ पब्लिक से बातचीत की, आपके महंगाई राहत कैंप जो एक यूनिक प्रोग्राम है, काफी चर्चाएं हो रही है, आपने दौरे किए, हमने पीछे पब्लिक से भी बातचीत की, आपके मन में इस तरह भावना कैसे आती है कि किस तरह काम करें, क्योंकि लोग बहुत खुश हो रहे हैं? नहीं देखिए, जो वेलफेयर इसकी बनती है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इस बार तो हमने जैसे ही बजट पेश किया, 5 बजट बाद में हुआ उसके पहले हमने तैयारी शुरू कर दी। हम मालूम था कि बजट तो पास होगा तो सेक्रेटरी की मीटिंग करनी हो या चर्चाएं करनी हो विभिन्न स्तर पर, पहले प्रारंभ कर दिया हमने। पिछला बजट भी हमारा 85-90% क्रॉस कर गया इम्प्लीमेंट होने के अंदर, तो हमारे पूरा यकीन है कि जो घोषणा हमने की है वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। सर भाजपा वाले एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्यों नहीं करा रहे, लोगों को लाइन में खड़ा करवा रहे हैं, ये एक वो मुद्दा बना रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अभी कल एक नौजवान आया था, आपने देखा वो सोशल मीडिया के अंदर, वो बोल रहा है साहब मैं तो एक स्कीम मुझे मालूम था, मैं लेना आया था उसका कार्ड, गारंटी कार्ड, मुझे यहाँ 5-6 स्कीमों का लाभ मिल गया। इसका मतलब कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि क्या क्या सरकारी स्कीम है, पहुंचती नहीं उन बेचारों तक, तो जिनके लिए स्कीम बनती है पहुंचती नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बता के अपनी बात समाप्त करता हूं। पहली बार 25 साल पहले मैं सीएम था तो मैंने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष बनाया था, अनलिमिटेड उसमें भी था, इलाज का खर्चा देगी सरकार।
खाली बीपीएल के लिए था वो, उस जमाने के बीपीएल बहुत बड़ी संख्या में थे और सरकार भी अफोर्ड नहीं कर सकती सबके इलाज का, मना आज हमने इसकी मनाई है। उस वक्त में स्थिति बन गई, 5 साल तक लोगों को कहते रहे सब लोगों की बात पहुंची नहीं। तो मेरा अनुभव काम आता है कि मैं किस तरह से इस बार ये कैंप लगा करके, हम कैंप लगातार चलेंगे, 2 महीने नहीं चलेंगे, अगर मान लो जरूरत पड़ गई और कैंप लगाएंगे, पर हर व्यक्ति राजस्थान का प्रदेशवासी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे सीएम अशोक गहलोत, तो उनका दावा है कि कर्नाटक में यकीनन कांग्रेस की सरकार बनेगी और महंगाई राहत कैंप के जरिए हम लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दिनेश डांगी, मैंगलोर, कर्नाटक।